हरियाणा के फतेहाबाद के जाखल में पुलिस ने गश्त के दौरान शकरपुरा के पास एक युवक को 1310 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनकी टीम मेउनकला रोड पर नाकाबंदी का चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी शकरपुरा गांव की तरफ से एक युवक पैदल आता दिखाई दिया, लेकिन वो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे पुलिसकर्मियों ने दबोच लिया और इस दौरान उसके पास एक पॉलिथीन मिली, जिसके चलते ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुलाया गया और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 1310 प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद हुई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान शकरपुरा गांव निवासी कुलदीप सिंह उर्फ दीपा के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जल्द ही इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमको थाना जाखल से हरपाल सिंह एएसआई रूटीन में पेट्रोलिंग पे गांव शकरपुरा के पास मौजूद था अपनी टीम के साथ। उसी समय शकरपुरा गांव की तरफ से एक नौजवान लड़का जो है वो आता दिखाई दिया, जिसको संदेह के आधार पर जो है रोका गया। उस पे किसी नशीली वस्तु के होने का संदेह होने पर जो है उसको नियमानुसार कार्रवाई की गई और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुलाया गया मौके पर। जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार उस व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उससे 1310 नशीली गोलियां बरामद हुई, जिसका पूछताछ पर नाम कुलदीप सिंह वासी शकरपुरा पता चला है, जिसको नियमानुसार अभियोग में अंकित करके और गिरफ्तारी की गई है। आज पेश अदालत किया जाएगा। पुलिस इसको रिमांड पे लेगी, क्या अगली कार्रवाई रहेगी, कहाँ से लेके आया सोर्सेस? इससे पूछताछ की गई है और इसको आज अदालत में पेश करके जो है वो जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा जाएगा। दूसरे आरोपी का जो है वो नाम पता लगा है और उसको जो है जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी जो है किसी और वारदात में भी पहले रहा है, नशे की आदत में, क्या है इसका मामला, एजुकेशन क्या है? अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं है, बाकी रिकॉर्ड जो है इसका वो चेक किया जाएगा। बाकी बेरोजगार है और पांचवी तक जो है ये पढ़ा लिखा है। जहां हरियाणा में पुलिस इन दिनों नशे के खिलाफ अभियान चलाए हुए है, तो वहीं फतेहाबाद के जाखल में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। वहीं इस तस्कर के एक अन्य साथी की भी पहचान हो गई है, जिसे भी पुलिस जल्द ही काबू करने का दावा कर रही है। देखना होगा इस आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सत्य खबर के लिए जाखल से दीपक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।